সকলে বলবেন
এই জন্য আমি এখানে সমাপ্ত করছি। পাঁচটা কর্মদল বলছে তোমার কিন্তু ভয় হয়ে গেল তাদের খাবার একটু বস্তু।
कि ये हम कोई लोग के स्थान में है, किसी के स्थान के नहीं है, अपने हृदय में उसकी रक्षा है, अपने कृपा के उन्मत चरित कथा प्राप्त काल से वैष्णव के मुखारविंद से और साक्षात श्री देव के मुखारविंद से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव श्री महाराज जी हम लोग के निकट मथुरा में कई बार गुरु महाराज जी के आदि भाव विधि में शयन होते थे। तुम लोग गुरुदेव तुम्हारी गुरु के बारे में तुम क्या जानोगे, उनके साथ मेरे साथ 60 साल के जो है संबंध है, तुम लोग क्या जानोगे। कुछ उस समय कुछ उद्दंड ब्रह्मचारी श्री गुरुदेव के ऊपर क्रिटिसाइज करते थे और मथुरा में जितने ब्रह्मचारी सब घर भी थे गुरुदेव के अंगत समय कभी कभी ऐसे उद्दंड ब्रह्मचारी अंगुली उठा करके श्री महाराज के पटक पाल भी करते थे। श्री गुरुदेव श्री महाराज की करुणा के भजनालय उस समय हम लोग के निकट गुरु महाराज के अतिमर्द जीवन चरित्र तथा श्रवण कराते थे। गुरु के वैष्णव के यही विचार है, गुरु के प्रति कैसे हमारी श्रद्धा जगे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद सुब्रत के सरस्वती महाराज उपदेश अमृत में यही भी लिखते हैं, शुद्ध वैष्णव के उद्देश्य है कैसे सदगुरु के प्रति उनके अनुराग बढ़े। इसलिए गुरु महाशिव महाराज जी अपने गुरु महाराज के त्रिजीवन चरित कथा वर्णन करके उनके प्रति कैसे अनुराग श्रद्धा उत्पन्न कराए। वास्तविक सत्य है आज गुरु बाबा सबके प्रति है तो कुछ नहीं है, वास्तविक रूप में क्या क्या कहूँ। जैसे हमारे पंचवा तीर्थ महाराज जी कह रहे थे साधु होना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम गुरुदेव इतना ही तो मनुष्य बना दे मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे मन। साधु रहने के लिए तो बहुत दूर की बात है, कहा चंद्रमा और क्या मैं बामन छोटा सा हूँ। साधु होने की तो बहुत दूर की हमारी दूर है, कम से कम पशु से मुझे मनुष्य बना दे तो इतना ही मेरे जीवन में सफल बन जाए। श्री गुरुदेव इतना ही मुझे सिखाया कैसे गुरु वैष्णव के प्रति जाओ
जहाँ पर पंचम गाड़ी कांटा जहाँ पर गाड़ी वहीं पर जाओ अपराधी हो तुम अपराधी से महाराज जी की शरण ले लिया जाओ और ये नहीं है महाराज क्षमा करके तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है महाराज से पत्र लेकर के आना वो ब्रह्मचारी श्री महाराज के सभी गोद पर में आए और महाराज जी के चरण पकड़ करके रोने लगे महाराज से नित्यानंद के साक्षात मुक्त प्रकाश है खड़े जिसका खड़े जिसका हो जाता है अभी भी बताया ना मैंने सच्चा देखा आप अभी भी देख रहे हैं महाराज को भी मैं सच्चा ये बोलता हूँ अभी जो महाराज को देख रहे हैं वो महाराज आज से 25 साल पहले महाराज को देखते तो समझ में जाते हैं सिंह के बच्चा कैसे सिंह उड़ता है आज हमको महाराज के सामने बैठ करके पास में बैठ कर बोल रहे थे उसे महाराज के आंख और महाराज के हाथ और पैर को ऐसे चलता था मैंने देखा ये नवीन ब्रह्मचारी इनके ऊपर कितने बार खड़ा भी चलता था उसको एक बार ऐसे फूल गया था छूट गया था मैंने देखा थोड़ी सी हो जाता थे महाराज जी ऐसे था इतने साल नहीं है कि सब जी गोड़े मठ में रहना आज तो बहुत लोग रहते हैं पता नहीं क्या रहना कि दूसरों है तुम्हारे महाराज के सामने और महाराज के मठ में रहना इतने सहज की बात नहीं है उसमें सब के साथ सब के साथ करके जाते सबका प्रेम है नाम सुन गए नारायण महाराज नाम सुन गई परिक्रमा के समय देगा सब प्रसाद लेकर के बैठ गए और कोई ब्रह्मचारी जाकर के कहा गया गुरु महाराज जी अपने कोई परिवेशन नहीं पा रहे थे ब्रह्मचारी सब खाने के लिए बैठे गुरु महाराज जी बोले जाओ महाराज जी के पास जाओ नारायण महाराज जी के पास जाओ महाराज जी बोल दिया अरे महाराज जी बोला कि क्या हम उसको पूरे पर बैठे थे नारायण महाराज जी आ रहे हैं और सौ भी क्या सब पिशाब करके सब दौड़ने लगे स्वास्थ्य परिवेशन करके दूर बोले महाराज जी का आना नहीं पड़ा जहां लोग बता दिए भूगोल का कोई सुनी जा गुण कथा वास्तविक जो लिखा है आज मैं भूगोल जी सामने खड़े उस समय इतने सहज नहीं है महाराज के सामने बैठना महाराज के सामने खड़े होकर के ऐसे बोलना इतने सहज नहीं था हमारा शरीर ऐसे कांपता था आज का तो मैं देखो महाराज को मुझे चांस देंगे मैं बोलूँ उस समय महाराज के सामने बोलना इतने सहज नहीं है दो चार ऐसे स्वामी प्रभु प्रभु और दो चार ब्रह्मचारी महाराज जी खड़े होकर बोलते थे हम में खड़े होकर हमारे हाथ पकता था क्या बोलता था मन कमला बोला नहीं थी बोल रहे महाराज तो नहीं किया आज कुछ देखा गुरु महाराज जी के जो प्रताप वो ब्रह्मचारी और उन्होंने गुरु नारायण महाराज जी उस समय ब्रह्मचारी चले जा करके क्षमा कर दिया ऐसे वास्तविक महाराज जी गुरु महाराज जी महाराज जी ऐसी क्षण करके खुद के जो स्नेह प्रति स्त्री अंदर रह गया नहीं तो कितने बार हमने सोचते थे दूसरा मेरा क्या करेंगे एक तो गर्मी और रोटी है बंगाली हम लोग चावल तो नहीं है उस समय वो भी बात से आता था चावल वो भी आधा सिद्ध होता था आधा नहीं होता था और रोटी तीन टाइम रोटी देते थे प्रमाण प्रमाण तो हम और मिर्च देता था और तुम जो जाए और महाराज के आगे और महाराज के आगे स्थापन और रोज रोज प्रयास करना उपदेश में तो हमारा शिक्षा पर तो सुंदर बहुत बता के क्या क्या तीन बार हमने चार बार पढ़ा देते थे महाराज जो तो मुझे नहीं पड़ गई कान पकड़ करके ऐसे नहीं था पड़ लगा देती महाराज ऐसे नहीं शोक बोल कोई ब्रह्मचारी ऐसे नहीं है जिसको जो थप्पड़ नहीं खाया एक व्यक्ति को भी मारने नहीं देखा महाराज को भी प्रेमान भी को भी हाथ उठाया कह नहीं देखा और साथ में जो है सही से परम बंधु सही पिता माता
यदि हम लोग महाराज कृपा करके अपने चरण में भी नहीं डालते, यदि लाठी लाठी भी मार करके अपने भगा देते और भाग भी चले जाते, भागते तो नहीं है, फिर हम लोग चले जाते। आज इस वर्ष कई लोगों के आज देश प्रदेश में चाहिए कहाँ सुभाग्य मिलता, आज थोड़ा बहुत कुछ भजन करने के लिए जो कुछ भी श्रद्धा की आभास जो है श्री गुरुदेव और श्री महाराज के निकट, मैं श्री गुरु गुरुदेव श्री महाराज उनके स्नेह ममता प्रीति हमारी बहुत वर्षित हो। और गुरुदेव जहाँ मैं जिस अवस्था में है मैं तो जानता नहीं हूँ, सुखी हो कुछ हो मुझे तो पता ही नहीं है, इतना ही नहीं जानता हूँ। हमारे पास गुरुदेव के अभिन्न मूल विग्रह श्रीनाथ महाराज जी विराजमान है, उनके चरण में मैं बार बार पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। इससे प्रेम या प्रीति होती है इतनी अधिक, उसके लिए ही गिरा होता है। गोपियों का या कृष्ण से अत्यधिक प्रीति, इसलिए कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनकी भीड़ की स्थिति ऐसी हुई भागवत इत्यादि शास्त्रों में। उसी प्रकार से अपने गुरु के चरणों में जिसकी इतनी ही अधिक प्रीति होगी गुरु के लिए उतने ही विरह दूसरे हृदय में जागृत। रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में रूप सनातन के प्रति स्वरूप दामोदर के प्रति रूप गोस्वामी चले जाए तो उनकी क्या स्थिति होगी। गिरिराज गोवर्धन हरिहर के समान सारा घोष व्रत सुनता है सुनती है और राधाकुंड में श्याम कुंड त्याग के मुख के समान में भयंकर उन्होंने जीवा व्रत इस प्रकार से पढ़े। इसलिए गुरु के चरणों में जिसका जितना अनुराग होगा उतना ही उसके हृदय में गुरु के प्रति जीवा है और जब धीरे जिसके हृदय में होगा उसकी गुरु भक्ति को उन्नत समझो और वह जल्दी ही से भगवान के चरणों की गुरु कृपा के बिना नहीं। मैं खुद के पास पवन महाराज जी और खुद के पास दिग्गम महाराज जी से के साथ में 60 से अधिक वर्ष तक रहा, विभिन्न प्रकार से हम लोगों का परस्पर संपर्क था, एक दूसरे को बहुत से निकट से देखने का सुयोग मिला। कैसे लोग गुरु सेवा करते हैं यदि निकट से देखने को गुरु महाराज जी के लिए पावन महाराज अपने प्राणों को हथेली में लेकर के काम करते हैं। गुरु महाराज जी पावन महाराज जी की सेवा से अपने को रेडी समझते हैं, इसलिए जब कभी बीमार हुए या हाथ उसमें गया प्रवेश किया कैसे धीरे होने लगे गुरु महाराज जी रोने लगे। जो गुरु अपने शिष्य के लिए रोता है तो वो समझो कि विक्रम महाराज जी को देखा, पावन महाराज जी को और हमको कोई दायित्वपूर्ण काम नहीं देते थे, यदि कोई दायित्वपूर्ण काम होता तो त्रिविक्रम महाराज को और त्रिविक्रम महाराज जी सहज ही वो नहीं लेते थे, सबसे तब लेते थे और जिस काम को लेते थे उसको बोलता। इसलिए गुरु महाराज जी का हमारे पावन महाराज जी पर यह भावना कि अभी बच्चे हैं कुछ नहीं कर सकते, त्रिविक्रम महाराज के उनका भरोसा ऐसे ऐसे सब देखे और भी निकट सबसे देखा है। जब उसके बाद पवन महाराज गुरु सेवा के लिए क्या नहीं मिलता, यदि किसी को कदर करना है गुरु के प्रति निष्ठा करना है तो ऐसी ही निष्ठा की आवश्यकता है, ऐसी निष्ठा नहीं होने से बचत नहीं। इसलिए 60 वर्षों में उनके साथ रहने से
लोग कितना दिन रहा उनके साथ, बहुत बहुत, और निकट से नहीं गुरु के रूप में दूर से रहा। और हम मित्र की भांति उनके साथ में जीवन में घुल मिल करके उनके साथ, इसलिए उन लोगों के समय संबंध में अपने गुरु महाराज जी के जीवन के मैंने जहां जहां गुरु महाराज जी प्रचार के जाते वहां पर कभी कम महाराज मैं अब पामन महाराज और पहले पामन महाराज और मैं जाता, मैं समझता था कि मैं दौड़ने में सेकंड का भी नहीं हुआ, बहुत तेज दौड़ने वाला, और पामन महाराज जी खूब चलते थे, किंतु जब गुरु महाराज जी नेतृत्व के मार्ग में जब चलते थे तो हम दोनों आदमी पिछड़ जाते साथ में नहीं चल पाते थे। उस समय मैं तो थोड़ी बना था, पामन महाराज जी सब प्रकार से और दूसरी सेवाओं को करते हैं, उस समय मैं बर्तन तक बनता था और उनके साथ में पक्षिता करते मैं लिखता था, छाया चित्र खिंचवाता था, सभी काम। इसके बाद में फिर विक्रम मैं जब पामन महाराज जी को प्रेस का डिपार्टमेंट दे दिया गया तो उसके विक्रम महाराज जी जाते थे, बहुत से लोगों से हमने शिक्षाएं ना, ये दोनों हमारी शिक्षा है, उनके संबंध में जितना बदलाव मैं तो उनका रही हूँ, उनके रही से शुरुआत भी संकेत है, कुछ बोले अभी ट्रांसलेशन ठीक है। हाँ हाँ God wants someone to develop affection, love and affection for the figure of Shri Gurudev and the Vaishnavas. Then to that degree they will experience separation or vidama. We see the topmost example of this in the life of Sri Raghunath Goswami. How much affection he had for the figure of Shri Guru, Sri Rupa Sanatana. Upon the disappearance of Sri Rupa Sanatana in Sunyayata Maharosa, then he saw the whole breath of Mandal life empty. The mouth of Radhakund was like the mouth of a tigress to take his life, and Govardhan appeared like a python. Such a high degree of separation he had for the feet of Sri Rupa Sanatana. Why? Because such a high degree of love and affection he had for them. The Gurudev said, I had the first-hand opportunity to see their Guru Seva, the service of Srila Balabhaj and Srila Srila Maharaj throughout Pada Gurudev. How Srila Balabhaj kept his life in the hand for the service of his spiritual master, and how Pada Gurudev became indebted to that service. When Srila Balabhaj's hand was caught in the printing press, that time Srila Balabhaj was, Srila Pada Gurudev was weeping. So very rare that a spiritual master will weep for his disciple. So you can imagine how much he was captured by the seva of Srila Balabhaj. If there was any responsibility, any responsible service, then Sri Pada Gurudev would call Srila Srivastava Maharaj and give to him. But Srila Srivastava Maharaj would be trying to avoid it, but anyhow, finally he would take. But any responsible seva he took, then he always concluded it perfectly. At that time, maybe Pada Gurudev was thinking that Srila Gurudev and Srila Balabhaj were children, therefore we shouldn't give them too much responsibility. There were once Srila Balabhaj, what Guru Seva he did not perform for his Guru. He said, I saw, Gurudev said, I saw firsthand for more than 60 years how their nature was, how they had history in Guru. Even though he said, how long we have seen him for? 10 years, 15 years? And we have seen from a great distance in the eyes of former Guru.
Because I could not see from a distance, because we were living close together, like dear friends. And by their help also, I took part of the Jivan Charitra for the life and teaching of the Srinivasa Pranayam Kirtan Goswami Maharaj. When Srila Padmagurudeva went preaching, then first he used to take Srila Bhagavad. Then Gurudeva says, when I came that time, I also went. Then Padmagurudeva would walk very fast, and Srila Bhagavad would also walk. But when Srila Padmagurudeva came to Vindicore, that time he would walk so fast, village to village, we could not keep up. Gurudeva said, I used to perform the services of cooking and writing. That time Srila Bhagavad would perform other personal services like washing cloths and washing pots. But when Srila Prabhupada put Srila Bhagavad in charge of the press department, that time Srila Chivaka Maharaj took his place and also went preaching everywhere with him. The Buddha said, I received so many teachings from them, so much shiksha, I cannot repay them. I am deeply indebted to them. God bear my name. हजारों लोगों की भीड़ होती, गुरु महाराज जी से भेंट करने के लिए सब लोग आ जाते और सभी लोग उनको भेंट करके बैठे रहते, बातचीत करते और बामन महाराज जी कागज भेंट करके उनके पास में उपस्थित होते। तो ये आप संबंध संपादित कुछ बोल दीजिए, नहीं तो गौड़ीय पत्रिका छपेगी नहीं, फिर निश्चिंत देव को नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ के गुरु महाराज जी अच्छे फल पकड़ो और बस कोई किताब देने की जरूरत कुछ नहीं, घर घर बोलते चले गए और बाबुल महाराज जी लिखे लिखने लगे। गुरु महाराज जी को भी पुस्तक की जरूरत है और बाबुल महाराज जो लिखते हैं उसमें करेक्शन की जरूरत है, कोई करेक्शन नहीं। बस हम लोग लिखते हैं तो करेक्शन करना पड़ता है, लिखावट में कोई करेक्शन नहीं था और वो सवेरे तैयार होकर के किसी के लिए चढ़ने के लिए आता था। एक प्रकार से हमने देखा है ऐसे आपकी परिक्रमा वो भव्य साथ में लिखने में स्वयं गया एंड दे वर टॉकिंग विद गुरु महाराज एंड बाबुल महाराज के एंड तो दैट आई मान के एडिटोरियल नोट the Guru Maharaj of all Yusuf write and he used to give a hand. And in a few minutes he used to write about four pages. And then Bhagavan Maharaj who corrected language that it has nothing to write. And it was given to the priest and second day it was published. Om Shanti 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 Gracias.
सम्मान प्रणाली क्या बोल रहे हैं। आज हमारे प्रत्येक निकट श्री हरि गुरु बैष्णवें যে বিরহ মরণ মহোৎসব তাকে কেন্দ্র করে এই তারুণকাল আমরা গুরু বৈষ্ণব করে অতিমর্ত প্রাকৃত চরিতাবলীর বিভিন্ন আস্বাদন সে সাধু সজ্জ শ্রী শ্রবণে সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করায় নিজেদেরকে ধন্যবাদ মনে করি। গুরু মহারাজের অপ্রাকৃত গুণত্ব চিন্তাগুলি বিশ্লেষণ করার মতো সামর্থ্য বা যোগ্যতা মাধুসরণে নাই, তা সত্ত্বেও পরমপূজ্যবাসী মহারাজের অবৈতুকী এবং অমন্তদয় দয়ার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে কিছু স্মরণ বাক্য পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের শক্তি সামর্থ্য তিনি নিজ গুণে আমাদের প্রতি যে বর্ষণ করছেন এর জন্য বলিদান আমি আখ্যায়িত করা উচিতকাল আপনারা বহুভাবে নানান দিগদর্শনের মাধ্যমে শ্রীগুরুমারের অতিমন্ত চরিতাবলী আস্বাদনের প্রতি বলে ফেলেছেন হচ্ছে অনন্ত যেমন শাস্ত্র তেমনি ভগবত ভক্তি তথা ভক্তের চরিতাগুলিও অখিল এবং অনন্তময়। যতই বিশ্লেষণে আনন্দ জানতে গেল তার কখনো পরিসমাপ্তি আসে না, সে কারণ সারাচ্ছা অর্থাৎ আদি মধ্য অন্তিম সর্বত্র গিয়ে হরি যেমন বলা আছে তত সামান্য ছোট্ট একটি দুটি ঘটনার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করার যে প্রয়াস তার জন্য আমি প্রতি হলাম। কথায় আছে মার্কিন সংস্থার এই সকাল দেখলেই বোঝা যায় দিনটি কেমন যাবে, তত্রু অতি প্রত্যুষে বা বাল্যকালে অষ্টমের উৎপাদকের দিগদর্শনের বহু প্রতিবাদ সন্ধান আমরা পেয়েছি। আপনারা ইতিপূর্বেই শ্রবণ করেছেন পুরাণ দিনে যে খাটা পায়খানা আদি তাকে কেন্দ্র করে বহু সেবা সাংগীতের মাধ্যমে গুরু মহারাজ তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আপনারা সিদ্ধান্ত পরিধানে প্রতাপপুত্র রাজা সম্বন্ধে একটি কথা নিশ্চয়ই সময়ের সুযোগ পেয়েছেন, উত্তম ভূমিকা করিয়ে দিচ্ছেন সেবন অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন। বাল্যাবস্থায় বাচ্চা শিশু তিনি খাটা পায়খানার মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য সেই পায়খানার কামলা থেকে পায়খানার দিকে পরবর্তীকালে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রী গৌড়ীয় বেদান্ত স্বামীজির তরুণ প্রতিষ্ঠিত হলে পরে অষ্টমীয় পরমদেবের নির্দেশনায় একটি কথা তখন শুনতে পাওয়া যায় যে কি করা যায় এই তরুণের নির্দেশনা। তখন গুরুপাদপদ্মের অর্থাৎ তদানীন্দন গৌড়ীয় অভিধান নামে খ্যাত অষ্টমী গুরুপাদপদ্ম তিনি বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিলেন এই তরুণের যে সাক্ষী এবং সত্য স্বরূপ সেটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, সেই জন্য জয় নম কৃপ নম প্রদীপ প্রভাব প্রসঙ্গ গলিত সিংহ সনাম সংখ্যা চতুর্থধারী চৈতন্যচন্দ্র ভগবান বিরাজ। সময়ের অভাব বিশ্লেষণে অপেক্ষা রাখে না, আপনারা পরবর্তীকালে এগুলি বিশেষভাবে সকলের সুযোগ সৌভাগ্য পাবেন, কারণ
করম গুরুদেবের মহাবিষ্ণু পুরাণের জন্য গৌরীয় অভিনন্দনে বিখ্যাত। অর্থাৎ শ্রীঙ্গের রায়ের মধ্যে তাহার বিনোদ কবিতা নৃত্য পারিষদ পরিবার এই কথা জানিয়ে গুরুবৈষ্ণবের চরণে কোনো কোনো পাঠ্যপুষ্পাঞ্জলি এবং শ্রদ্ধার প্রতিবেদনকে তিনি মানসা কলকাতার উপস্থিত বাস ভয় বছর কবিতা বৈষ্ণবী करुणा की विगलित मूर्ति थे। मैं
जब नवदीप धाम में थी तो उनके शिष्यों ने मुझे आदेश दिया कि दीदी तुम होली पूर्णिमा के दिन धाम जाना, गौर पूर्णिमा में बहुत लोग दीक्षा संन्यास लेते हैं। मैं कहा ठीक है प्रभु जी। जब मैं रात को उनके कक्ष के बाहर प्रणाम करने गई तो तत्कालीन उनके जो शिष्य थे उन्होंने मुझे कहा दीदी आप आई क्यों नहीं। मैं कहा मतलब। बोले आज गुरु जी ने आपको 3 बार याद किया था, इससे ज्यादा और मेरे लिए क्या हो सकता है। उस दिन से मैंने स्त्रित्व तो भुला दिया, मधुत्व तो भुला दिया, बस मुझे ये याद रहा कि मैं उनकी हूँ और वो मेरे हैं। श्री पाद नारायण गोस्वामी महाराज से मुझे आज भी डर लगता है, लेकिन उनके साथ मैं बहुत बहुत संरक्षित और सुरक्षित पाती थी। मैं अपना हृदय उनके साथ अभिव्यक्त कर सकती थी। जब वो जयपुर में रह रहे थे और मैं वहां पर गई तो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट करीब आधा घंटा उन्होंने मेरे ऊपर से अपनी नजर नहीं हटाई, कृपा दृष्टि का वर्षन करते रहे। मैं रोती रही। वहां पर जनार्दन महाराज खड़े थे, उन्होंने कहा कि इसको भागवत सुनाओ। तो उन्होंने कहा ये तो जानती है तो सच की है। बोले नहीं तो भी सुनाओ। और आज मैं देखती हूँ कि वही आदेश मेरे गुरु ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं गुरुदेव के संपर्क में भागवत की रिसर्च के कारण आई थी। और भागवत जिसको शिव और ब्रह्मा भी समझ नहीं पाते, मैं उसके लिए प्रयास कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनका आशीर्वाद है और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। इन सब बातों को कहने से मेरा वर्चस्व नहीं, उन लोगों की अहेतु की कृपा और निष्काम कृपा प्रकट हो रही है। मैं जब नवदीप धाम में उनके पास गई तो वहां के बाकी ब्रह्मचारी खड़े थे और उनसे वो पूछ रहे थे बाकी नामना में कौन सी विभक्ति है, भेषज में क्या होता है। वो भी उत्तर नहीं दे पाए। मैंने उनकी कृपा से उत्तर दिया तो बहुत खुश हो गए। और हम जिस तरह से देखते रहे, मेरी दृष्टि आज भी चातक की तरह उनकी तरफ देख रही है और वो भी आज मुझे वैसे ही देख रहे हैं। मैं उनके बिना कैसे जीऊं मुझे पता नहीं है। हर एक गुरु तत्व और कृष्ण तत्व, उन दोनों को जब गुरु ही हमारे यह कहते हैं कि हम कैसे समझ पाए, वाणी स्तंभित हो जाती है, तो मेरे लिए कैसे संभव है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब भगवान की कृपा होती है, जब गुरु कृपा करते हैं तब कृष्ण कृपा मिलती है। और गुरुदेव जब अर्जुन और उद्धव को भगवान श्याम सुंदर शिक्षाएं दे रहे थे तो शायद कुछ शिक्षाएं अधूरी रह गई, तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भूतल पर आए और उन्हीं के दैत्य स्वरूप स्वविलास स्वरूप श्री रूप गोस्वामी ने उन्हीं के भावों को प्रकाशित किया। और श्री रूप गोस्वामी के जो नयन है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उन्होंने गौर वाणी का प्रचार किया और उसी गौर वाणी से हम श्री और श्रेष्ठ दोनों का दर्शन कर सकते हैं। और मेरे तीनों ही गुरुदेव, तीनों ही प्रभु जी चरण, जिनको मैं संबंध अभी है और प्रयोजन के रूप में कह सकती हूँ, मेरे ऊपर कृपा वर्षण कर रही हैं। श्रीपाद श्री विक्रम गोस्वामी महाराज से भी मेरा अंतरंग संबंध था। वे बड़ी हंसी मजाक की बातें किया करते थे। एक दफे मोदी भवन में रात को बैठे थे, 8 बजे मुझे बुलवाया और बोले कि मैं कल बरसाने जा रहा हूँ, मेरे को छोटी अटैची चाहिए। तो मैं कहा महाराज इस समय रात को 8 बजे? बोले अभी तुम्हारे सोचने की बात है। तो मैं बाहर आई, सामने रामचंद्र प्रभु दिखाई दिए कि प्रभु जी ये बड़ा अजीब सा आदेश है, कैसे करूँ क्या करूँ। तो वहां पे एक दिल्ली वाले कोई खड़े थे, शायद गोपाल चंद या क्या तो कोई, उन्होंने कहा कि मथुरा जाना है अभी इसकी अभी। मैं गई और फिर वहां पर उनके अनुसार से छोटी अटैची लेकर आई। जब उनको दी तो ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई बच्चा कोई चीज को मिलने पर हंस जाता है। एक दफे वो मोदी भवन के बाहर बैठे थे और कोई असभ्य अवध व्यक्ति वहां बैठा था और हमारे गुरु गति के ऊपर गुरु बड़ा बातें कर रहा था और कह रहा था भक्ति करके क्या होता है। तब एक सज्जन वहां पर आए और उन्होंने श्री त्रिवक्रम गोस्वामी
स्वामी महाराज को एक नोटों की गड्डी दी। तो उन्होंने बड़े मजाक करते हुए कहा कि भक्ति करके देखो ये होता है, नोटों को हिलाकर उन्होंने बताया। तो इस तरह की कई प्रकार की बातें वो लोग किया करते थे। श्री गुरु दत्त हृदय में अनुभूत होता है, उसे वाणी से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जैसे वेद पुराण उपनिषद भगवान ने प्रकट किए हैं, उसी प्रकार से भगवान गुरु वर्ग को इस संसार में भेजा करते हैं। गुरु में कृष्णत्व होता है और कृष्णत्व के बिना गुरु तत्व हो ही नहीं सकता। श्रीवाद ब्राह्मण गोस्वामी महाराज से मेरे अनन्य अनंत स्मरण जुड़े हुए हैं, उनको प्रकट करने से मेरा हृदय कंपित होने लगता है। मैं श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में बार बार अनुरोध करती हूँ कि आप इस असहाय जीव को संभालें, इस पर अपना कृपा वर्षण करें, नहीं तो ये जीवन एक बोझ की तरह, एक भार की तरह, एक साल की धोती की तरह चलता चला जा रहा है। वंशा तक करो भजते कृपा सिंधु में योजा पति दाना पाप में भी हो रही। अरे चिड़चिड़ा के सचिव बाबू सचिव प्रभु कुछ पुष्पांजलि अर्पित करें, जल्दी आ सकते পরিক্রমা পাওয়া বেরিয়ে চলে গেছেন।
তখন মহারাজের ঘর সভা, আমরা সবাই মহারাজের কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই বলছে বল মহারাজ কত বয়স হল? চৌরাশি বছর। অভিশাপ হলো কেন? অভিশাপ কেন হবে? কেন 100 বছর বেশি থাকা মানে রোগ এর সঙ্গে তো করতে হবে? না, আপনি নিরোগ অবস্থায় সবাই হবেন। বলছেন দেখো এই যে প্রভু এত বয়স হয়েছে সাইকেল টানা হেঁটে হেঁটে রোজ গঙ্গা স্নান করে রোজ পাতার হাত পাতার আমিও গেছি। ওর মধ্যে অনেক কিছু সংগ্রহ করা আছে। আমি প্রথমেই ওনার সঙ্গে দণ্ডবোধ করে আমি বললাম মহারাজ আমার একটা বড় সন্দেহ হচ্ছে, আমি একটা জেনে বুঝতে পারছি না। প্রভুগণের উপদেশন দিত, তার মধ্যে একটা কথা আছে কৃষ্ণের তোর বিষয় সংগ্রহই আমাদের মূল জাতি। আমি একটা বাণী আমি দেখেছি কৃষ্ণ বিষয় সংগ্রহ আমাদের মূল জাতি। উল্টো কথা হলো বুঝতে পারছি না আমি। আমি মহারাজ এটা আমাকে বুঝতে পারছি না। মহারাজ হাত দেন, আচ্ছা আচ্ছা দেখি উনি তখন কি করলেন? উনি তখন নিজে হাতে কেটে কৃষ্ণের তো আর বিষয় সংগ্রহ হয় আমাদের মূল ব্যক্তি। বললেন যখন কৃষ্ণ কি বস্তু? তিনি হচ্ছেন শক্তির লর্ড, তিনি তো আমাদের আদি গোবিন্দ সর্ব পালন ধর্ম। আচ্ছা তারপরে ধরুন এক রিলে শূন্য দিলে কত হয়? 10 হয়। তারপরে শূন্য দিলে কত হয়? 100 হয়। তারপরে শূন্য দিলে কত হয়? 1000 হয়। তারপরে শূন্য দিলে 10000 হয়। তার মানে একটা শূন্য দিলে 10 গুণ বেড়ে যায়। বলতে কতক্ষণ লাগবে? একটা দিলে আমি বুঝে দিই শূন্য গুণের এরকম ভাড়া আছে কোনোই মূল্য নাই। ওই এক মন্দির এক হচ্ছে ভগবান। এই ভগবানকে ছেড়ে দিলে ভগবানকে কিছু না হয়ে যায়। এইভাবে আমাদের উপদেশ প্রদান করতেন। আচ্ছা আমার পূজ্যপাদ তিরুত্তর মহারাজ অনেক আগেকার কথা, যে হরিদাস প্রভু, এই যে হরিদাস প্রভু বাচ্চা অবস্থায় মতে এসছেন। তারপরে একদিন কীর্তন হচ্ছে বৈষ্ণব মন্দিরে আসে প্রতি জন্মে করি আসা, হ্যাঁ তরণের ধনী বৈষ্ণব মন্দিরে আসে উনি কীর্তন করছেন জন্মে জন্মে করিয়াছা তরণের ধরি। তখন মহারাজ কিন্তু উচ্চ করো কিভাবে শিক্ষা দিতেন? কি আছে দাদা প্রতি জন্মে করিয়াছা? তুমি জন্মে জন্মে করলে কেন? কি প্রভু হয়নি? এইভাবে শিক্ষা দিতেন তাদের কথা মনে অপরাধিত, তাদের চরিত্র তাকে অপরাধিত করছে না, অপরাধিত হতো আমাদের ইন্দ্রিয় কৃপা
আমাদের অবশ্যই নাই, মহাদাই কথা বলে
পাঁচ পরে আমাকে ডেকে বললেন যাই হোক আপনারা যদি কৃপা করেন আমি অল্পের মধ্যে চলে Can someone please get the board and share? Around the board, is anyone to share? Please get to the board and just go, please. She can sit on the board. Thank you.
আজকে আমার আমার বিশ্বাস আমরা পূজ্যপাল বামন মহারাজ আর পূজ্যপাল বিকল্প মহারাজের সম্বন্ধে যেরকম ভাবে তাহার জীবন চরিত্রে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করে দিয়ে বলছে এখানে গৌরী বেতন সমিতিতে এইসব কিছুই হবে না, আমি পূর্ণরূপে যাই ওখানে পূজ্যপাল বামন মহারাজ প্রিয় তিথি মানাবে কিনা আমার সঙ্গে। এখন বর্তমান আচার্য পর্যটক মহারাজ নিজে ব্যাস পূজা ওখানে করাবে, কিন্তু বামন মহারাজে এইসব কোনো কিছুই করবে আমার জানা। আর বিশেষ করে পূজ্যপাল বামন মহারাজের শিষ্যগণের যেরকম হয় আমি প্রীতি করি, ওখানে প্রীতি করবার কোন রোগী নাই, একেবারে কোন রোগী নাই। এই জন্য ক্রমে ক্রমে ওখানকার পূজ্যপাল বামন মহারাজের শিষ্য আমার নিকটে ক্রমে ক্রমে আসছে। আজকে আমি খুব আনন্দ সম্মান করা হয়, আদর করা হয় গৌরী বেদান্ত সমিতি, তাহাকে উপেক্ষা করে বলছি মন্দির থেকে না তাহার গুরু পরম্পরা থেকে ফটোটাই সরিয়েছে। হ্যাঁ, এই জন্য তারা তোকে বার বামন মহারাজের সন্ধানটা দিয়েছে। চারিদেশে গুরু পরম্পরা মধ্যে সে গুরু মহারাজে পরে আসে, আমার পরম্পরা ঠিক আছে, গুরু মহারাজ বামন মহারাজ তারপরে আমার এইরকম পরম্পরা থাকবে। সারা বিশ্বের নিকটেতে গুরু মহারাজের আত্মপূজ্যপাদ বামন মহারাজের চিত্র সব আমার ভক্তদের ঘরেতে দেখতে এখন বিশ্বের যে কোনো আমার ভক্ত নেই যার বাড়িতে পূজ্যপাদ বামন মহারাজের পর্যটক মহারাজের শিষ্য কিংবা কারো কাছে বামন মহারাজের আমার এখানে যে যেরকম কথা আলোচনা হচ্ছে ভবিষ্যতা হচ্ছে ওখানে বর্তমানে সব চৌকতে যা হোক তোমরা এরকম হয় গুরু আর বৈশ্য গুরু আর শিক্ষা গুরুকে অভিন্ন জ্ঞান করে দিয়ে ভজন ভক্তের অগ্রসর হোক। আর আমি দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন যে আমার এখানে যারা আছে তারা সেই রকম মধ্যে আর্জন করে ভক্তি রাজ্যে অগ্রসর হয়েছে, আমি তাকে খুব প্রসন্ন। আপনি তো বললেন যে শিল্পীজি অনেক ভক্তরা এসেছে, আপনি তো বহু পূর্ণিমার পরে এবারে শিল্পী যাবেন, অনেক বেশি আনন্দের দিকে আমি আমাদের নদীর পরিক্রমা করে শিলিগুড়ি যাবো, নিবেদন করছে যে আপনি আর আমরা সব দল বলে ওখানে 40-50 জন বৈষ্ণব ওখানে যাবো আর 500 দিন বিচার করে থাকবে। শিলংয়ে সে আমাদের লোক ডাকছে সবাই হচ্ছে না দুর্গম রাস্তা শিলাকে ওখানে যাব, তবে তোমাদেরকে ওখানে যে কথা এরপরে উমা মেয়েটি উমা কুটু বলবে বলে যে বাল্য নাম সে বামন মহারাজ বহুত প্রীতি করতে
ভদ্রশালী
বিশ থেকে যাতে আমি গাছে পরিবার করতে গিয়ে প্রতিটা ফুলে দিয়ে ছোট গাছ হতে পারি। এখানে মহারাজ তার নানা রকম লীলা কথা যারা শুনছেন করে আমাকে ভজন মধ্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করছেন। মহারাজ আমাকে দেখেছেন অনুরাধ কৃপা করে আমি জানি এটা আমার খুব সৌভাগ্য। আর বিগুরু মহারাজের কথা বিগুরু মহারাজ বলছেন একটা জীবন আমাকে আমাদের ঘুরতে নিয়ে যাও। অনেক জন্ম তো আছে ভোগ করার জন্য বিরাট আছে ওই আজকে বললেন না বিশেষ পরিষ্কার করতে স্যার সব বিষয় তো কি পাবে এই একটা জন্ম কি দেখো লোকসান তো হবে না লাভ না হবে কিন্তু আবার তো সুখ আছে সেই জন্যে টিভি কমার প্রচুর আমার দায় করবেন যার জন্য আমি এই পথে চিনোটা আমি এই পথে কোনো আমার ছিল না আমি বৈষ্ণবের এসব কোনো বিশ্বাস করতাম না কিন্তু তিনি মহারাজ এত সনাতন শিক্ষা এই পথে আমার জন্য যা চেষ্টা করেছেন তার আপনার এগুলো উপলব্ধি করতে পারি। আর বেশি সময় নেব না দশজন লোক কিছু বললেন বাচ্চা গল্প দামোদর মহারাজ ইন স্পিক অ্যাবাউট পানুকুট কে বাদ সবেদ মহারাজ হি হ্যাজ ডান ইন দি লাস্ট টাইম অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি ডিয়ার টু মহারাজ গুরুবেণী গৌরচন্দ্র ভারিকায় কালে কৃষ্ণ কৃষ্ণবন্ধায় ধর্মান্তায় First of all, I offer my condolences to the Lord, Sri Gurudev, Sri Vishnupad, Sri Swami Bhaktira, Tarayana, Sri Sai Maharaj, the Sri Gurudev, the Mishra, the Buddhist, Sri Bhaktira, and Sri Ramaj, the Sri Gurudev, the Buddhist, Sri Bhaktira, and Sri Ramaj, the Sri Gurudev, the Buddhist, Sri Bhaktira, and Sri Ramaj. So, scripture has described five types of gurus. One is Bhaktivedanta's guru, who brings us in alignment with Sri Bhakti. One is Diksha Guru, who initiates us into the finale of worship of Gauranga, Gandhara, Kirikari. That is Sri Diksha Guru. There is Bhajan Guru, Shravan Guru, and Shiksha Guru. So scripture has described Diksha Guru as a manifestation of Krishna Rupa. Shiksha Dhani, Shiksha Guru, Shiksha Guru Thajani, Krishna Rasvaru, Antajami, Bhakta Shrestha, Edvi Rupa. And Shiksha Guru is a manifestation of Krishna, Sarup. Therefore, even though there is no difference between the Rupa and the Sarup of Bhagavan, still there is some speciality. In the same way, there is no difference between Diksha and Shiksha Guru, but still there is some speciality. Because towards the Diksha Guru, there always must be some marjana, feelings of all reverence. But towards Shiksha Guru, those feelings of more reverence are not present. Therefore today I want to speak a little bit about Srila Chaitanya Maharaj. Of course, Srila Bhagavan Maharaj would have also took me and Srila Srivat Sadhana Maharaj, so we also like to Sannyasa and also Mohanaj. But so many devotees have spoken about him. His mercy is always upon us. But giving pranam to that, I want to speak a little bit about Srila Chaitanya Maharaj. So he was born in a very high Brahmin family. His parents were very strict Vaishnavas. They said without washing his shalagram, even they would not drink one glass of water. So Pujapad Maharaj and his Purva Ashram, his previous ashram, his name was Radhana Das. So Gurudev gave me that Brahmachari name also, Radhana Brahmachari. So one time Maharaj asked, what's your name? I said, Radhanath Das. He said, my name also was Radhanath Das. So I said, does that mean when I become big, I can become like you? So Maharaj is very expert in astrology, expert in mathematics, expert in Sanskrit. He was a first class homeopathic doctor. He used to say, why is I coming from Parikram? I haven't done my seva. Because all the devotees would always become sick and Maharaj would always, every afternoon he would give all the devotees different types of medicine. So one time Srila Maharaj used to say to me, you know my main seva? My main seva is thinking.
I have to think for the whole Vedanta committee, because in Vedanta committee no one is thinking. Therefore, I have to think for the whole Vedanta committee. So one thing I especially notice about Srila Maharaj, Chanadapi Svanichana, Purodi Vatsvanichana, Manina Manina, Kikanya Sarahari. Even though Vaishnava is the most exalted, still they always consider themselves to be the most insignificant. And we are considered opposite. Even though we really are insignificant, we consider ourselves to be the topmost. There was Srila Maharaj, even though he was, I cannot really at all comment on Srila Chandra Maharaj's bhajan on his internal life, because he always kept himself very, very covered. In fact, it appears that Maharaj used to act in such a way that everyone would think that he was completely opposed to like intimate topics and the service of Radha Krishna. Therefore, he was always very strict. There was very wonderful when Gurudev and Srila Chandra Maharaj would come on Parikram and they would discuss so many things. So even though Srila Chandra Maharaj always used to appear to be very disinterested in Gurudev's Harikatha, in fact, we knew how high Gurudev would speak and how nice was Gurudev's Harikatha, that much Srila Chandra Maharaj would appear to fall asleep. That much he was disinterested. So especially Srila Chandra Maharaj was responsible for the high class of Harikatha we used to hear on Parikram. I remember one time in Navadvip, then Prajapati Guruji, Srila Bhanu Maharaj, Srila Chandra Maharaj were sitting together. Then Srila Bhanu Maharaj, he gave Srila Chandra Maharaj the mic to speak the first day of Parikram. Then Srila Chandra Maharaj said, I have one question. If Radharani is the topmost, then why Krishna leaves her and goes to Chandravali? And that was the end of Chandra Maharaj's Harikatha. Now remember, Srila Bhanu Maharaj was. Then Gurudev spoke 7 days in Radha Sattva. So Srila Chandra Maharaj had not been there, no Radha Sattva. Therefore, Maharaj always knew how to pinch Gurudev to extract the juice. Therefore, he would always take the side of Krishna. And Guruji would always take the side of Srimati Radhika. Then, especially, we used to go to the top of Balshana. There is one, what is called, scale. One Brahmin, he wanted to marry his daughter, therefore he prayed to Srimati Krishna, please give me some wealth. Then Sri Krishna said, my only wealth is Srimati Radhika, and he gave that to the Brahmin. Then Srila Chandra Maharaj said, this is proof that Brahmins have no regard for Srimati Radhika, because Gurudev is called Brahmin family. Then Srila Chandra Maharaj, his whole hair was falling out. Then Gurudev said, and you will not understand Radha Sattva, you need to become 80 years old or more. There was very wonderful Harikatha used to be. And even though, of course, it was all joking, then I saw sometimes really they used to become very angry. Yeah. How many different topics there was? One time I remember they had a fight about Mahavishnu. There was always some wonderful Harikatha. There was Srila Maharaj, he was a very, very exalted person. He never displayed his sentiments externally. There were no many people who think, oh, Maharaj has no interest in Radha Bhakti. But we never see any Vaishnava weeping like Srila Chandra Maharaj used to weep on the disappearance day of his Guruji or the Samadhi of Sri Bhaktivinoda Thakur in Navadvip. How Maharaj used to weep bitterly in separation from the devotees. So he was always giving such valuable advice. Especially I know. And he would give so much affection. If we cannot understand such simple and low-class persons, how much affection he used to give to us. And not all brahmacharis used to think Srila Maharaj was like big brother, because he was very intimate, they could talk, and we could reveal our hearts to him very nicely. And Maharaj always gave the perfect advice. Thereby hearing from Srila Gurudev, what is the responsibility of Shiksha Guru? These days we see so many Shiksha Gurus taking all disciples for themselves. But the real job of the Shiksha Guru is to take the disciple and place on the feet of Shiksha Guru. Then remember, before Gurudev used to chastise me so much, but now it's so bad. Thank God. My mind sometimes used to become very disturbed. Then, so I would often go to the Srila Chandra Maharaj and complain. And Srila Chandra Maharaj, from the beginning to the end, only one advice, always follow the instructions of the Divine Master.
that was Srila Chaitanya Mahaprabhu never gave any other instruction. Never, even though he was such an exalted person, still, he took a vow, I will never accept any disciples. One time I asked, why are you not accepting disciples? He said, I don't have to accept any disciples. Because all the Maharaj's disciples, they are all my disciples. So I don't have to do any disciples. So one time I asked him, Maharaj, you are not giving disciples. Then Maharaj said, even though Srila Param Guruji wanted to make him acharya, wanted to make Srila Gurudev acharya, then all were declining. We will not accept. Srila Chaitanya said, I am not qualified to give this Srila Param Guruji. Srila Bhagavan said, I am not qualified to give this Srila Maharaj. Therefore, none of them wanted in any position. Therefore, Vedanta Smriti for 50 years went very peacefully because there was no fighting. But as soon as Srila Chaitanya Maharaj left, that next opening, then all the snakes that lived to their head, because if Srila Chaitanya Maharaj was there, they could never say anything against Srila Gurudev. But Srila Chaitanya Maharaj left and Srila Maharaj absorbed in his own body, then they took Vedanta Smriti from Srila Gurudev. Anyway, so a little bit told about my one or two stories I wanted to tell. Very, very instructive. It said, one time, I had good fortune, whenever we would go to another week, then I would always stay in Srila Maharaj's room. So one time when there was no room, and I said, Maharaj, where will I sleep? And he went to his bed, you can sleep here with me. One time, one Babaji came into his room. Then he was from Goryamath, but he, little different type of fellow. Then he somehow snuck into Srila Maharaj's room and was sleeping there. That time Srila Chaitanya Maharaj's servant goes, Radhakanta. Radhakanta! Maharaj would always call. Then Srila Maharaj was chastising him, why you put him in my room? And I was thinking, why Maharaj is upset? Then this Babaji, all night he would chant. I know because I was trying to sleep. And all night he was chanting. And he would never eat anything, only some fruits. And then I started thinking, maybe this devotee like Paramahamsa, because not sleeping, not eating, always chanting. And so I was developing like some faith, some respect in him, thought he must be like Paramahamsa. Then one time Srila Maharaj called me over. He said, you know that Babaji, he is Sahaja. He has left the feeling of Gurudev. He went to Radhakunda and took that, Siddha Pranali. But the pure name is not coming, because when he chants, he sleeps. Therefore, he was thinking this guy was Paramahamsa, but Srila Maharaj knew he was a complete pretender and an offender. That time I had some understanding. Maharaj, he sees everything. Who is doing what? Then he was Grihastha, but when he heard the teachings of Sri Narasimhananda Guru, that is also Sri Gurudev's Bhaktivedanta Guru, that on that preaching party where they collected Gurudev, that Srila Chaitanya Maharaj was on that preaching party. Then he said, because Gurudev did not Bengali, but he was from Bihar, and Sri Narasimhananda Guru, his mother language was Bengali, then English was in, the Katha was in English. And Srila Chaitanya Maharaj used to say, from that first time he knew this Narayana Tavari, he is different, because he has so much interest in hearing Bhagavad Katha. So Srila Chaitanya Maharaj, after hearing his Hare Katha, then he left everything and came to the monk. One time I asked him about his previous Pura Ashram. Then Maharaj said, when I left my home, all were weeping. My mother was crying, my father, my brothers, my sisters, my wife, my children. All were weeping, but I never turned around. I never looked at them again. And he said, let the dead bury the dead. So he left everything and came to the monk. That time his wife was very dear to Srila Paramgurudev. She would come and weep and would wash his shoes with her cloth. Then I heard someone said to Maharaj, oh, your wife is using very bad language against you. And he said, I'm also doing to her. So his wife came and said, if you do not accept me back, I will commit suicide. I will commit suicide by fire. Then Maharaj said, okay. If you have the kerosene, I have the matches. Are you ready? So he was very, very strict and ideal sannyasi. You know, we are like Pakibas. But he was real sannyasi, very, very strict. Gurudev said, he would never criticize you behind your back. Anything he wanted to say, he said directly.
And then I remember one time, one husband and wife came. Then Maharaj immediately asked the husband, hey, you're having like sexual relations with her? Then the man was shocked, yes. Then Maharaj wrote, get out of my room. Get out of here. You are completely opposite. You are coming here to do parikram, to enjoy. You have not come to serve. Then Maharaj abused him, and he left. Then that Silchuk Maharaj was very happy. He said, you know who that man was? No, Maharaj. He is a multi-millionaire. He said, because I do not need one rupee from him, I speak as he likes. And he said, can the Rajas do like that? So, for some reason, okay, don't want to get into too much trouble. But I tell you one example. Sometimes you cannot understand Gurudev. Because some Maharajan is there, the reason we serve Gurudev is we've taken mantra from him. But the reason we serve Shikshi Guru, we're not taking mantra, but we're serving out of pure love. Therefore, sometimes we cannot understand Shikshi Guru. Shikshi Guru is Mahabhagavat, and we are like Kanishka Adhikaris. Therefore, sometimes Gurudev may act or speak in such a way that we cannot understand. That's why we should take shelter of the Vaishnavas. Shri Gurudev always says, serve Guru under the guidance of the Vaishnavas, otherwise you cannot be successful. For example, I think, oh, I can do Gurudev's service better than Pujapad Bhagavan. Is it possible? Impossible. Then we should always do service to Guru under the guidance of the Vaishnavas, otherwise we only become proud, false ego. They want to tell one more story, and then I'll finish here. After parikraming, Yamananda Gaudiya Math, then Maharaj would go back to his brother Kutir in Gurukul. That's another story. So Maharaj had many, many things, pressure cookers, blankets, spare hats, five walking sticks, umbrellas. And he said, I said, Maharaj, when are you leaving? He said, I am going tomorrow. How? By train. And I said, no, I will go by taxi. Then one devotee was asking, can I come with you? I thought, this is not, I should not be selfish, okay? Then that devotee went to Gurudev and gave pranam. Then Gurudev said, where are you going? I'm going with it. Where are you going? I'm going with Ramanam to Pujapachurika Maharaj's brother Kutir. Then Gurudev was very angry, shouting, call Ramanam here. So that time that devotee, he was shaking. He said, Gurudev wants to see you. He is not happy. Then I was also began shaking. Then I went in the room, and Gurudev was, oh, you are so independent, you never do anything under my guidance. Maybe you should go somewhere else and take diksha. Very strong words. And I was like shaking. I thought I would leave my body. Then I went to Srila Chukamaraj, and he saw me. I was completely white, like a ghost, and shaking. And Srila Chukamaraj laughed. He goes, oh, did that mean permission was not given? And I said, Maharaj, this is no joke. Gurudev said he would reject you. I can go anywhere else and take diksha from any other Gaudiya Math. Then Srila Chukamaraj began laughing. He said, don't worry. This is like Rukmini and Krishna. Krishna said to Rukmini, oh Rukmini, I don't know, you should go somewhere else and marry. So Srila Chukamaraj just laughed. And he said, chill, let's go. So Gurudev said, when Gurudev was chastising me, I remember. Then Gurudev was chastising. I said, Gurudev, I already gave my word, my promise. How can you take my promise back? Then Gurudev said, okay, you can go, but don't stay more than 5 minutes. So I went to Maharaj's brother Kuti, and we stayed there 3 days. Then Gurudev was coming to Tinchura, then Sri Chaitanya Maharaj laughed. He said, hey, let's go, 5 minutes is almost up. Last thing. That time, there was Tinchura Gaudiya Math. So something had happened with one brahmachari there, some disturbance, and they wanted to kick him out. So Srila Chukamaraj said, if you kick him out, then I will also go. And they said, okay, you also can go. So Maharaj moved out and was doing bhajan by himself. So I remember that last time we went there to Chinchura Gaudiya Math. Then Maharaj went in his room and he was collecting some old things full of shoes, junk, everything, books. Then Maharaj was collecting and he filled one with small bag. Then he turned to me and said, he was looking, when is the auspicious time to go, because astrologically. And he said to me, in Chinchura Gaudiya Math, I am here 60 years. Everything you see here, I built. 60 years I served this month, and now they are kicking me out. Then he laughed, oh well,
He said, the father dies and the sons enjoy. Let's go. So unattached. Devagurudev also so unattached. Devanandi Gaudiamat, so many, 24 temples, so many brahmacharis. The Gurudev also walked down with nothing. So, this is so many instructions for us. So, if I said anything, Gurudev is. But I'm most unfortunate and not remembering Maharaj very much. Even though he gave me so much affection, I'm not catching. If I pray that I see Gurudev Vaishnavas, my heart can have a small place for them. Because Guru Vaishnava Rati Nahoi Deyaman, unless we have affection for Gurudev and Vaishnavas, then the Kirupa Seva Phale Mohi Rasha. Having a full personal Jesus service of Gandharva Kirihari, unless we, our heart has a small place for Gurudev and Vaishnavas. Therefore, today we pray that Peter Srila Bhanuraj and Srila Srikha Maharaj, they can always keep their merciful glance upon us, protect us from our own faults and amounts, and we may slowly, under the guidance of Gurudev, progress in our bhakti. Go there, Maharaj. মাতা করে যাবে আর সব সময় আসবে আবার ভজন চেষ্টা সব নষ্ট করে আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা এই জন্যে এরকম এই পর্যন্ত একটা ফটকা মতো আর কাপড় এই কুর্তার উপরে পর্যন্ত ভালো রান্না জানতেন ফার্স্ট ক্লাস শুরুতে বাসি করতে হলে নিজে থেকে রান্না লাগবে লাগবে আর প্রবেশন ফার্স্ট ক্লাস রান্না জগন্নাথ জি হ্যাঁ জগন্নাথ চিত্তরঞ্জন বাজে হ্যাঁ গুরুদেব তো পরমপুরুষ মহারাজ পহিলি বার করে শুকামিন মত ইনে বার কীর্তন লে লাইছি very difficult, very hard to work. So Gurudev became unhappy and asked, oh Maharaj, what they did to your parents? Why are you using so harsh word for them? The Buddha said, you don't understand this fact. If I be affectionate with them and use very nice word, hear very sweetly, then they come again and harass me to take me back to Vyas village. If I use harsh word, they'll come very real, gradually they'll stop, will not come. The second person who they've told that he was very renowned for his own use, even sleepless shirt only up to this much and cloth up to knee, not more than that. And he was very expert cooker and he is fond of a sweet taste of vegetables. When anyone comes to Chichura, he used to generate himself for cooking and arrange others for serving. By this way, he spent his life. One thing I am to tell about him, as before we have no more in Calcutta, I used to come to Mathurai Gurudev from Chichura. When I came first time to Chichura to come to Mathurai Gurudev, at that time I came from Vijay and told about pressure cooker and cook rice. And when the serving was going on, he called my name of Swami, so he told him, he can serve, okay. And when he started, he told that after one serve, he had to hit the cooker. Why? Well, yes, he said, why? Because he has to hit my rule.